हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एवरेज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0, ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी बी ग्रेटर देन 0। ऑप्शन दिया गया है हमें, ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी में 10, ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है 19 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0, मतलब 20 नंबर का जब एवरेज हम निकालते हैं तो उसका एवरेज आता है 0। तो उनमें से ज्यादा एट मोस्ट बोला है, अधिकतम से अधिकतम कितने नंबर ऐसे हैं जो 0 से बड़े हैं, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। अब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि भाई यहां पर 20 नंबर दिए गए हैं, 20 नंबर और 20 नंबर के एवरेज जब हम निकालते हैं तो उसका एवरेज कितना आता है 0। अब एवरेज 0 आने का मतलब यह है कि उनमें से कुछ नंबर नेगेटिव होंगे और कुछ नंबर पॉजिटिव होंगे। अब नंबर नेगेटिव पॉजिटिव की वाली बात क्यों आई, क्योंकि भाई जब तक उसमें से कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक उनका सम 0 नहीं हो सकता, और जब तक सम 0 नहीं होगा तब तक मीन 0 नहीं आ सकता, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 दिया गया है। तो इसलिए 0 हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उनका सम हो सकता है। तो हमने कहा मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि मीन इक्वल टू कितना दिया गया है 0 एंड सम और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है 20। तो यहां से हम अगर देखेंगे तो यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो निकल के आएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और कितना आया 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 20 नंबर हैं और उनका सम 0 आ रहा है तो इसमें से हो सकता है कि कुछ नंबर क्या रहे होंगे पॉजिटिव और कुछ नंबर रहे होंगे निगेटिव। इतना लॉजिक समझ में आता है। लेकिन एक वर्ड यहां हमें दिया गया है कि एट मोस्ट ग्रेटर देन 0। तो एट मोस्ट ग्रेटर देन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा क्या रहे पॉजिटिव नंबर रहे, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव नंबर रहे। तो अगर यहीं पर एट मोस्ट ना देके एट लिस्ट देता तो हम बात करते हैं कि कम से कम पॉजिटिव नंबर हो, ज्यादा से ज्यादा निगेटिव नंबर हो। लेकिन यहां पर दिया गया है एट मोस्ट, इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़े पॉजिटिव नंबर हो और कम से कम निगेटिव नंबर हो। तो इसके लिए अगर बात करें, मान लेते हैं यहां पे 20 टर्म टोटल हैं, तो थोड़ी लॉजिक समझिए कि भाई एवरेज इसका सम 0 आना चाहिए। सम 0 आने का मतलब है कि शुरू से जो टोटल, देखिए टोटल कुछ टर्म्स यहां से हैं, मान लीजिए x1 x2 x3 x4 .x20, ठीक है, ये टोटल टर्म है। अगर हमें एट मोस्ट निकालना है, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव नंबर लेना है, इसका मतलब जो निगेटिव टर्म होगा वो कम होगा लेकिन बड़ा होगा, ताकि वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर को क्या करे, माइनस कर सके। यहां से यहां तक अगर 19 नंबर है टोटल, तो अब हम मानते हैं यहाँ के सम टोटल ग्रेटर देन 0 है लेकिन सबके सब पॉजिटिव है। तो अगर यहां से यहां तक का सम अगर टोटल मान लो हम कितना आ रहा है 80 आ रहा है मान लो, तो हम इसको क्या ले लें, इसको ले लें -80, तो -80 कर दें तो टोटल सम कितना हो गया 0। और अगर हमें एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, अगर कहा जाता है यहां पर कम से कम कितने पॉजिटिव नंबर होंगे, तो कम से कम अगर की बात करता तो कम से कम सिर्फ आप एक पॉजिटिव लीजिए, एक पॉजिटिव लीजिए और बाकी सबके सब यहां से यहां तक क्या ले लीजिए निगेटिव। तो मतलब टोटल 19 नंबर क्या ले लेंगे निगेटिव और कम से कम एक पॉजिटिव नंबर लेंगे, और पॉजिटिव नंबर को आप ज्यादा ज्यादा ले लीजिए। तो पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं कितना ले लेते हैं 80, आप इसी एग्जांपल समझ लीजिए 80, मतलब ये x1 सिर्फ 80 होगा और बाकी सब यहां से x2 से लेकर x20 तक का सम अगर हम करें तो उसमें कितना जाएगा -80 आने जाएगा, मतलब मान लीजिए वो होगा तभी तो। अरे भाई अगर आपके पास एक 80 है, वो चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा जोड़ें कि टोटल कितना आ जाए 0 आ जाए, तो भाई बाकी नंबर जो 19 बचे हुए हैं उनमें 80 -80 करेंगे, उन्हीं का सम अगर -80 होगा तभी तो ये 0 आएगा, क्योंकि यहां 0 लाना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि हमारा एवरेज 0 है और हमने यहां पे जो प्रूफ किया है या देखा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन वो 0 ही आ रहा है, इसलिए ये जरूरी है। तो यहां से हमने दोनों क्वेश्चन देख लिया, एट मोस्ट और एट लीस्ट। तो अगर हम कहें कि भाई एट मोस्ट की बात करें तो एट मोस्ट कितना आया है 19 टर्म्स, जो मतलब 19 टर्म ऐसे हैं, 19 नंबर ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 0 हैं। लेकिन अगर हम बात करें और अगर एट लिस्ट होता तो एट लिस्ट कितना आता 1, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है एट मोस्ट दिया गया है, तो एट मोस्ट 19 नंबर ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 0 हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।